उसके बाद जो है इसका ढक उतारना होगा, फिर पानी चेक करना होगा, और जो है इसमें थोड़ा सा पानी रहेगा डालना होगा। उसके बाद जो है आपने इसे दम देना होगा, और दम देने के बाद फिर आपने सेव करना होगा, वो भी आपको सीन दिखाएंगे। मगर अभी जो इसमें चीजें और अशिया ऐड की हुई है उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो है हमने मछली ली थी, हमारे पास 3 पाव मछली थी, उसके साथ टमाटर और धनिया वगैरह थे, ये मसाले वगैरह जो आपने देखे। अगर आपसे मतलब भूल चूक हो गई है तो आप पीछे भी वीडियोस देख सकते हैं। और उसके अलावा मैंने इसमें पानी डाला, 5-6 हमने इसमें चम्मच पानी का डाला। इसके अलावा हमने इसमें मछली डाली, और जो है अभी इसकी हमने आग थोड़ी कम की है, मीडियम साइज की हुई है, और इसमें हमने मछली ऐड करने के बाद ढक दिया। अब ये जो ढक के 8 मिनट तक 10 मिनट तक ये ढक इस पे लगा होगा, जब ये उतारेंगे तो तभी आपको इसकी फेसिफिकेशन भी दिखाएंगे। और उसके अलावा इसमें हमने थोड़ा सा पानी डालना होगा, तकरीबन इससे 3 हमने चम्मच और पानी ऐड करना होगा। उसके बाद फिर से ढक देना होगा और हल्की आंच पे इसे रखना होगा। ओके हो गया, इस 1 मिनट के सीख में मैंने आपको फिर से डिटेल बताई है। अगर आपको ऐसे रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल पे आपको अवेलेबल मिल सकती है, और आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, ताकि हमें पता चले कि आपको कौन कौन सी रेसिपी सीखनी है, वो भी आप हमें बताया करें, ताकि उससे रिलेटेड आपके लिए वीडियोस भी हम बनाते आया करेंगे। इसके अलावा हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि लाइक करने से, शेयर करने से हमें सपोर्ट होता है, शेयर करने से व्यूज आते हैं, और जो है इससे हमारा चैनल ग्रो होता है। तो आप ग्रो करने में हमारी हेल्प करें, हम अभी इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। उसके अलावा जो है मैंने आपको इसमें यहाँ पे तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं, और इसका अभी ढक मैंने नहीं उतारा, मगर इसे थोड़ा सा बाफ जो है चेक कर रहा था कितना अंदर जो है सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। और उसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये भी गोश्त गल रहा है, क्योंकि ऐसे है ना, यहाँ पे ये इसे गलने के लिए टाइम मिल जाएगा और ये रेडी हो जाएगा। तो जैसे कि गाइस अभी आप देख रहे हैं कि 8 मिनट हमारे वीडियो में हो चुके हैं, अब हमें इसका ढक उतारना है। हाँ तो गाइस ये तैयार हो चुकी है, आपके सामने है गोश्त। आप देख रहे हैं कि गोश्त का कलर कुछ दूसरे टाइप आपको लगता होगा, है ना। अब अभी भी ये पानी है, अभी ये पानी सूखा नहीं है, ठीक हो गया। तो मेरा ख्याल है कि आपने थोड़ी आग बढ़ा दी है, आग हमने फुल पे टैप कर दी है। उसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी ये अभी उबल रहा है, ठीक हो गया। अब क्या करना है कि हमें एक कप गिर का यूज करना है, कुछ ऐसे इसकी साइडों से हमें ऐसे करना है, ऐसे जैसे यहाँ पे पानी नीचे हो, ऐसे नहीं कि सारा पानी ऊपर आ जाए और नीचे से जलने लगे। तो आपने ये ध्यान से रखना है, क्योंकि इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से बड़ा मसले आ जाते हैं, अल्लाह क्या करेगा। अभी आप देख रहे हैं कि रेडी हो चुकी है तकरीबन और पक चुकी है, क्योंकि मछली आपको पता है कि जल्दी गल जाती है। इसका बहुत खूबसूरत सा सालन बनता है, आप भी घर बैठे इसकी रेसिपी को एंजॉय करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखा करें।
अब फिर से इसे ढक देना होगा तकरीबन 3 मिनट हमें इसे ढक देना होगा। आँच इसकी आँच की फुली होनी चाहिए। अब हम आपको लास्ट सीन के साथ मिलते हैं जब ये तैयार हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। ओके हो गया गाइज, अभी आप देख सकते हैं कि हमने कुकिंग में आज बनाया था मछली का सालन और अभी ये रेडी हो चुका है, अभी आपके सामने है और आप बताएंगे कैसे आपको लग रहा है। अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि इससे सभी वीडियोज़ के रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।